दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें कुछ बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं TTML के बारे में, जहां पर आपको डेली बेसिस पर इस शेयर के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज के दिन भी शेयर्स ने अपने नए ऑल टाइम हाई को यहां पर क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट आज के दिन हमें अगेन TTML के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले एक साल में 2700% के रिटर्न और पिछले 5 साल में लगभग 4500% तक के रिटर्न ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि TTML के इस तेजी के पीछे क्या बड़ी वजह निकल कर आ रही है। तो यहां पर जो एक बड़ी अपडेट हमें TTML के अंदर देखने को मिल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर TTML के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ को क्रॉस करा था, वहीं आज के दिन ये 54,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। यानी कि विद इन अ वन डे हमें इसके मार्केट कैप के अंदर भी लगभग 4000 करोड़ रुपए की जंप देखने को मिल रही है। अब बात करें कि TTML के अंदर जो आपको ये इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह निकल कर आ रही है। तो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो एक कमेंट्स यहां पर निकल कर आई है, आप देख सकते हैं रियल रीजन व्हाई TTML इज इंक्रीजिंग, इट्स दे हैव द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग AGR ड्यूज टू इक्विटी। जैसा कि आपको पता है कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा ड्यू स्पेंडिंग है और उसी को लेकर यहां पर ये अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि TTML अपने पूरे AGR को इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। अब बात करें कि इससे होगा क्या, तो एज अ शेयर प्राइस इज राइजिंग एस्ट्रोनॉजिकली हाई, TTML विल हैव टू गिव लेस शेयर्स अगेंस्ट AGR इंटरेस्ट। यानी कि TTML को AGR के ड्यूज को कंप्लीट करने के लिए अब यहां पर जो इक्विटी को शेयर करना है, इक्विटी को जो यहां पर देना है वो कम देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वंस द कंपनी डिसाइड्स टू कन्वर्ट द ड्यूज टू इक्विटी दे द रैली विल रिवर्स। तो यहां पर जो रीजन यहां पर एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रहा है वो आपके सामने है। तो अल्टीमेटली अगर आपने TTML के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो फ्रेश पोजीशंस तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप पोजीशन बनाकर बैठे हैं तो यहां पर सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। TTML के अंदर 2 रेजिस्टेंस कंप्लीटली अचीव हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 323.95 रुपए का, उसको आप अपना टारगेट सेट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ TTML के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से बने हुए तो ये शेयर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर सुपर ए प्लस 5G के स्पेक्ट्रम जो कि मार्च में आते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं, इस शेयर को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर पेनी शेयर्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, एडवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं। 6 रुपए का ये शेयर, जिसके अंदर आज के दिन सेबी ने इसको एक बड़ा झटका दिया है। आप देखेंगे तो ASM लिस्ट की ऑफिशियल अपडेट्स यहां पर 10 जनवरी 2022 की अपडेट हो चुकी है और यहां पर सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस में जो एडवेंचर ग्रोथ का शेयर हमें शॉर्ट टर्म लिस्ट की ASM लिस्ट की स्टेज 1 में देखने को मिल रहा था, उसे शिफ्ट करके लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 के अंदर डाल दिया गया है। तो यदि आपने इन्वेस्टर ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 के अंदर शेयर्स को डाल दिया गया है, जो कि हमें 11 जनवरी 2022 यानी कि कल से एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 250% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तो हमें यहां पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का अर्निंग पर रेशियो यहां पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, जिस कारण से यहां पर आप अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। लेकिन सपोर्ट लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, 5.80 रुपए का सपोर्ट लेवल बहुत इंपोर्टेंट लेवल यहां पर काम कर रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस पेनी शेयर्स के बारे में जहां पर आपको बोनस देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, मात्र 1.65 रुपए का यह शेयर, जहां पर आज के दिन भी हमें इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। शेयर्स का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वॉर्ड एज कमर्शियल्स ऑर्डिनरी शेयर्स, जो कि पिछले एक साल में 101% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। और आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर इशू किया है, यानी कि 1:1 का रेशियो का बोनस आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है 3 फरवरी 2022 इस पेनी शेयर्स के बोनस शेयर्स के लिए
एक्स डेट रखी गई है, यानी कि 3 फरवरी 2022 के पहले अगर आप स्पेनिश शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाकर आप यहां पर बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन बात निकलकर ये आती है कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स को चेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं स्वॉर्ड एज कमर्शियल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, यानी कि सिर्फ 18 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिए हैं और साथ ही साथ आप कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी देख सकते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी अच्छी तरीके से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और इसी के साथ कंपनी ने यहां पर नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है। लेकिन आपको इस चीज को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि यहां पर प्रमोटर्स का स्टेक जीरो है, 100% स्टेक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पास में देखने को मिलता है। और शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट में लगभग 18 करोड़ रुपए का डेब्ट है और वहीं 11 करोड़ रुपए के कंपनी के पास में रिजर्व भी हैं। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्पेनिश शेयर्स के अंदर तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है लेकिन साथ ही साथ डेब्ट भी कंपनी के ऊपर है, जिस कारण से यहां पर आपको मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ईवी सेक्टर के एक पैनी शेयर्स के बारे में, यानी कि मात्र 200 रुपए का ये शेयर, जो कि आज के दिन हमें काफी बड़ा ब्रेकआउट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और इस अपर सर्किट के साथ ही शेयर्स के चार्ट पैटर्न पर भी हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड पिछले एक महीने में ये शेयर्स 40% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। और अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आप देख सकते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ यहां पर हमें इंजन पर भी काम करते हुए कंपनी देखने को मिलती है। इस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,853 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और साथ ही साथ कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेब्ट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस को भी चेक करें तो वहां पर भी कंपनी के सेल्स काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी कंपनी का यहां पर काफी अच्छा जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं रिसेंटली कंपनी ने 54 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी यहां पर जनरेट किया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के डेब्ट 24 करोड़ रुपए के देखने को मिलते हैं, लेकिन ईयरली परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेब्ट फ्री देखने को मिलती है। वहीं 855 करोड़ रुपए के कंपनी के पास में हेल्दी रिजर्व भी हैं। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक हमें इस कंपनी के अंदर लगभग 55% का, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी काफी बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।